बचपन में जाना, गर्मी तो ऊन में होती है। जब स्कूल में एडमिशन हुआ, जब स्कूल गए तो पता चला गर्मी जून में होती है। थोड़ा और बड़े हुए तब पापा ने हमको बताया, बेटा असली गर्मी खून में होती है। फिर थोड़ा और बड़े हुए, जिंदगी के थपेड़े खाए, कभी हारे कभी जरूरत से ज़्यादा हारे, डिमोटिवेट हुए, अकेले में रोए। तब पता चला, जी हाँ तब पता चला कि असली गर्मी तो जुनून में होती है। जी हाँ जुनून में। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का मैं एक बार आपके खुद के इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये चैनल आपका क्यों है, आप हैं तो ये चैनल है, आप जिस दिन नहीं है उस दिन ये चैनल भी नहीं होगा, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, राइट? तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी रेलवे जीके के बारे में, और ये होगा पार्ट 28। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में और इस बुक की क्या महत्ता है, कितनी इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। ये मैं अपने पिछले काफी सारे पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने में प्लीज कंजूसी मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप भी आगे बढ़िए और को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन तैयार मत करो, फटाफट अपनी स्टडी अभी से अपनी स्टडी में लग जाइए। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो अगर घर पे स्टडी नहीं होती है तो, या फिर कोई रूम सेपरेट है तो रूम को ताला लगाओ, अंदर बैठ के पढ़ो। खाने के 3 टाइम के लिए बाहर निकलो, अपनों से बात करो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करो, मतलब कि टीवी वगैरह वॉच करो, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी करना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में बढ़ता हूँ मैं आगे, तो ओपन कर लीजिए पेज नंबर 76 अपनी बुक का। और पहला जो पॉइंट है इसमें, इसमें आपका घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान में। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, ये होती है जलोढ़ मिट्टी। और इसी के साथ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी में मैक्सिमम उत्पादन किसका होता है, वो होता है आपका कपास का। और कपास मैक्सिमम कहाँ पर उगती है, तो ये उगती है आपकी महाराष्ट्र में। तो जलोढ़ मिट्टी, कपास, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, उस लाल मिट्टी किस चीज़ से बनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या अयस्क शामिल होते हैं जिसके द्वारा वो लाल मिट्टी हमको दिखती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने गठन की थी। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण वास्को डिगामा ने किया था। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपका मरसा, ये प्रशांत महासागर। और पिछले इस वीडियो में हमने देखा था प्रशांत महासागर की गहराई कितनी थी, याद है आपको? नहीं याद तो देखिए पिछला वीडियो। लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। और भारत में अंग्रेजी जो एजुकेशन थी उसके प्रसार के लिए मुख्य व्यक्ति कौन जिम्मेदार है, उत्तरदायी कौन है, ये आपका लॉर्ड मैकाले, जिसने पहली बार क्या करा, इंग्लिश को भारत में इंट्रोड्यूस करवाया। इंग्लिश सब्जेक्ट की जो एंट्री हुई थी भारत के अंदर पहली बार, बाउंड्री में जो एंट्री करी थी भारत की इंग्लिश ने, वो करी थी लॉर्ड मैकाले के काल में। भारत और लौह पुरुष किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम परमाणु बम का विस्फोट कहाँ पे हुआ था, हिरोशिमा और कहाँ पे, नागासाकी पर। ये दोनों स्थान कहाँ पे थे, जापान में। आपको बताया था मैंने लिटिल बॉय फैट मैन, लिटिल बॉय जो बम का नाम था, परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, पहले गिराया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, याद होगा आपको। पिछले वीडियो में इसका मैंने आपसे डिस्कस करा था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं उसको हाईलाइट करूं, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने उसको हाईलाइट करा, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर पिछले वीडियो रेल में आपने नहीं देखे हैं तो इसके तमाम जो भी वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए रेलवे की, वहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ उसको वॉच जरूर करिएगा, अगर टाइम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं कि ताप को मापने की इकाई कैल्विन होती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। और कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है, ये होती है 90%। लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन होता है। अश्वनी नचपा खेल कूद प्रतियोगिता से संबंधित है। वह न्यूनतम संभावित तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है।
देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं आ रही होगी आपको, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बुक में प्रिंटिंग थोड़ी सी फैड है, तो इसलिए वीडियो की क्वालिटी भी ऑटोमेटिक फैड बनेगी बनेगी। याद होगा आपसे मैंने मांगा था स्कैन, और कुछ पेज मैंने स्कैन मांगे थे, तो जिन्होंने मुझको स्कैन करके भेजे उनका नाम मैंने आपको डिस्कस करा था पिछले से पिछले वीडियो में, पार्ट 26 में, और उनसे मैं पूरी बुक का तो स्कैन नहीं मांग सकता ना, क्योंकि वो भी जॉब करते हैं, उन्होंने टाइम फ्री करके अपना जैसे जैसे करके स्कैन करके मुझको भेजा। थोड़ा मैनेज करिए इस पेज को। फाइनली वाशिंग सोडा धोने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और निकटतम तारीख से पृथ्वी पर 4.2 वर्ष में पहुंचता है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। वस्त्रों के रंग विरंजित करने वाला अभिमार्जक सल्फर डाइऑक्साइड है। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, और टेट्राएथिल लेड TEL जिसको बोलते हैं पेट्रोल में अप स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इतिहास में जहूरुद्दीन मोहम्मद के रूप में बाबर को जाना जाता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। अरावली पहाड़ियां राजस्थान राज्य से होकर गुजरती हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए कौन से दर्रे का इस्तेमाल करा जाता है, तो उसका नाम है नाथुला दर्रा। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि नाथुला दर्रा कौन से देशों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो यह है भारत और चीन। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बली जर्ड। आगे हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि हम क्या बोलते हैं। देखिए मोहन चंद्र गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये नाम था इनका, लेकिन इनके नाम के आगे महात्मा जो पड़ा, महात्मा शब्द किसने दिया। जैसे आपका कोई फ्रेंड होता है, कुछ अलग दिखता है वो, जैसे वो दिखता है गोलू मोलू, आप उसको बोलते हैं लड्डू फ्रेंड, और लड्डू आ गया, लड्डू आ गया। तो ये कुछ उपनाम होते हैं, कुछ मजाकिया नाम होते हैं, तो कुछ सीरियस नाम भी होते हैं। तो ये नाम किसने किसको दिया वो हमको पता होना चाहिए। जैसे उपाधि, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये उपाधि थी, और ये उपाधि किसने दी थी, उपाधि देने वाला था सुभाष चंद्र बोस, ये थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इनको बोला जाता है गुरुदेव, और ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने इनको। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है आपका राजा राम मोहन राय। एक्चुअली इनका नाम था राम मोहन राय, तो इनकी शब्द के आगे जो राजा लगाया गया वो किसने लगाया, ये उपाधि किसने दी इनको, तो उनका नाम है आपका अकबर द्वितीय। कौन? अकबर द्वितीय। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी ये पूछ लेता है कि कायदे आजम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, राजा राम मोहन राय, मोहम्मद अली जिन्ना, गफ्फार खान, कुछ ऐसे नाम आपको देगा, चारों नाम ऑप्शन आपको देगा मोमडन्स के, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन वो पैदा करे एग्जाम में, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये दिया था महात्मा गांधी ने इनको। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रमुख नगर और उसके वास्तुकार, चार मीनार किसने बनाया था, किसने डिजाइन करा था, तो ये करा था कुली कुतुब शाह ने। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका राष्ट्रपति भवन सर एडविन लुटियंस, संसद भवन सर हर्बर्ट बेकर, और केंद्रीय सचिवालय ये है सर हर्बर्ट बेकर। आगे हम बात करते हैं आपसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, उसका नाम क्या है, और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम होता है माउंट एवरेस्ट, और ऊंचाई है इसकी 8850, कराकोरम K2 8611, एंडीज एकांकागुआ 6960, रॉकी माउंट एल्बर्ट 4400, और आल्पस माउंट ब्लैक 4807, और काकेसस एलहूज 5633, ये इसकी हाइट है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 77 की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था, ये आपके रामानाथन कृष्णन, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, ये है एनी बेसेंट।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और मैरी कॉम का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। भाग मिल्खा भाग किसका संबंध? भागने से। तो कुछ प्लेयर्स के नाम, उनका संबंध किससे है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। गुप्त काल चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजा मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कोलकाता नगर की खोज सन 1690 में जॉब चार नॉक ने की थी, और भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? राजस्थान नागौर जिले में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं संविधान के भाग 4 में, संविधान सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है। आनंद वन को बाबा आमटे ने स्थापित किया था, और शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, पश्चिम में उगता है और पूर्व में क्या होता है, डूब जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज दरबार में 8 महान कवि थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 को स्वीकृत किया था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लंबाई और चौड़ाई, ये जो फ्लैग होता है हमारा, झंडा जो होता है, उसकी लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है फ्लैग की, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है, ये आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और रियल में आपको पता होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मुझको इसके कमेंट्स कम से कम बहुत सारे आने वाले हैं। बाकी उम्मीद ही कर सकता हूँ आपसे मैं, बाकी आपने करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। मुझे पता है कि पता होगा काफी सारे बच्चों को, शायद वो कमेंट्स नहीं करेंगे, देख लीजिए, करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, सच कहूँ तो आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आप जो शेयर करते हैं उससे। और इस वीडियो का शेयर एक्चुअली बहुत कम जा रहा है, आप शेयर बहुत कम करते हैं फ्रेंड्स सब, पता नहीं क्यों करते हैं कम। तो प्लीज इन सभी वीडियो को आप शेयर करा करिए अपने फ्रेंड के साथ में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जैसे भी करना चाहे प्लीज जरूर करिए। बात करते हैं, अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, और मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। नागालैंड भारत का राज्य है, 1963 ईस्वी में बना। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सी बी देसाई ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 पिको सेकेंड 10^12 सेकेंड के बराबर होता है, और हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। इंटीगल जो है, इंटीगल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है। प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे, और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अप्सरा। भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता का है, और भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में हुआ था। उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा था। और फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 24 फिट। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्र और उनके जनक। जीव जंतु के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, उनका नाम बताइए। एग्जाम में आपके सामने ये ऑप्शन देता है, तो ये है अरस्तु, रसायन विज्ञान के लेवोजियर, इतिहास के हेरोडोटस, भूगोल के इराटोस्तनीज, आधुनिक भूगोल के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अर्थशास्त्र के हैं आपके एडम स्मिथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। प्रथम व्यक्ति और उनके गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये थे चाणक्य, सिकंदर महान के अरस्तु, अरस्तु के थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के। देखिए महात्मा गांधी जब भारत में आए थे, कब आए थे पता है आपको? देखिए लंदन में इन्होंने लॉ पढ़ा था अपना, ये सब पता होगा आपको।
लेकिन जब ये वापस इंडिया में आए थे, इनका विचार जो था, इनका विचार था कि मैं इंडिया में लॉ करूंगा, मतलब कि जो मैं अब लॉ तो मैंने कर लिया वहां से, अब जो मैं केस लड़ूंगा वो भारत के अंदर रह करके अपनी तैयारी करूंगा, अपनी प्रैक्टिस जो भी एक्सपीरियंस लूंगा वो इंडिया में रह के लूंगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जब ये रिसीव करने गए थे इनको प्लेटफॉर्म पर, मतलब स्टेशन पर, तो आते समय रास्ते में गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को काफी गांव का सैर कराई, देखो हमारी भारत की दशा क्या है, दीन दशा दिखाने के लिए महात्मा गांधी के साथ में ये दोनों घूमने घूमने गए थे। ठीक है, वहां पे देखो ये गुरु हैं और ये क्या है, स्टूडेंट है। और स्टूडेंट कभी भी हो, किसी भी गुरु का कहना पहले मना नहीं करता था, भाई गुरु गुरु होता है, गुरु जो भी बोलेगा शिष्य वो मान लेते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि तुम एक राजनीतिक बनो या एक समाज सेवी बनो, तभी कल्याण होगा, आपके वकालत से कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि सबका सब क्या, अंग्रेजों का राजपाट है, अब वकालत के थ्रू आप कहाँ तक संघर्ष करोगे। तो इन दोनों के बीच में ऐसे कुछ बातचीत चली, उसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया महात्मा गांधी का, इन्होंने लॉ वगैरह सब छोड़ करके एक समाज सेवी ये बन गए। तो इससे संबंधित एक मूवी है महात्मा गांधी के नाम से, अगर वो आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज वो देख लीजिएगा एक बार। फिर हम बात करते हैं आपसे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे आपके M.G. रानाडे, तो ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन महात्मा गांधी के गुरु का नाम पक्का पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, कबीर, रामानंद, सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी व्रजानंद। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपसे संविधान के प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है कई बार, तो इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे J.B. कृपलानी। तो दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पेज की, पेज नंबर 78 की, और हम बढ़ते हैं कि रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दूधिया कर देता है, जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होती है, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वह महासागर भूमध्य महासागर है जिसकी सीमा तीन महाद्वीप को छूती है। तो उस महासागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीन महाद्वीप को छूती है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, चार ऑप्शन आपको देगा और आपको याद रखना है भूमध्य महासागर। अगर नहीं याद तो प्लीज इसको कहीं पे पेन डाउन कर लीजिए या फिर बुक में आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। धातु के टाके लगाने में सामान्यतः सीसा और टीन धातु का उपयोग किया जाता है, और आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है। टाका, सोल्डर, सीसा और टीन का मिश्रण है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। देखिए कौन सा यंत्र किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसकी एक लिस्ट है इस बुक के अंदर, शायद आपने देखी होगी, अदरवाइज लूसेंट पढ़ी है तो आपने उसमें देखा होगा, वहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनने वाला है, तो उसको याद रखना आप। भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका वाराणसी में। सलाला परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है, स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। देवदास उपन्यास, वही पारो वाला शाहरुख खान, याद आया, तो वही देवदास जी उपन्यास है, उसके रचनाकार कौन है, तो ये है शरत चंद्र चटर्जी। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं इस पेज की ओर, इसके साइड में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। मैसूर का महान मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान था। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है, ये है आपका शुक्र, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, संध्या का तारा, तो ये बोलते हैं शुक्र को। खैबर पास कहाँ पर है, खैबर दर्रा कहाँ पर है, ये आपका पाकिस्तान में। और ईंधन तेल पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो मैक्सिमम जो भारत खर्च करता है अपनी पूरी सेविंग का, वो करता है विदेशी मुद्रा पर, जो खर्च करता है वो करता है ईंधन तेल परचेज करने के लिए। भाई आपके घर का एक बजट होगा, आप देखते होंगे घर में आपकी चाय बहुत बनती है, तो सबसे ज्यादा खर्च आपका घर में किस किस चीज को लेके होता है, चाय पत्ती पर या फिर चीनी पर या फिर दोनों पर। तो ऐसे ही भारत का एक फंड है, भारत के बाद एक राशि आती है फिक्स, ठीक है, अब उसमें से मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो होता है ईंधन तेल पर।
रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ये माला जाप मैं कई बार कर चुका हूँ आपके सामने। एक माला में जो होते हैं वो होते हैं 108 बिंदु, 108 मोती होते हैं। तो उससे भी अधिक बार मैं ये बात आपको शायद बता चुका हूँ अब तक अपने टोटल वीडियो में, चाहे वो घटना चक्र का वीडियो हो, लुसेंट जीके का वीडियो हो, या फिर ये रेलवे का, शायद आपको अब तक याद हो जाना चाहिए ये चीज़। डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों के द्वारा बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करा था? सबसे पहले ये कहाँ पर है? ये है मुंबई पर। और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करा था? किंग जॉर्ज 5 ने, और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था ये। संक्षिप्त शब्द RPF का अर्थ है रेलवे सुरक्षा बल। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद इसी पेज में हम डिस्कस करेंगे आपसे व्यक्ति, जन्मतिथि और उनकी निर्वाण वर्ष। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 से लेकर के 1902 के मध्य, तो इनका जीवन काल ये रहा था पूरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897-1945। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 और 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769-1821। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944-1991। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 से लेकर के 1997। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1948। किसके द्वारा इनकी डेथ हुई थी? इनके ऊपर गोली चलाई थी किसी ने, और उस व्यक्ति का नाम क्या है बता सकते हैं मुझको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके? और अगर आपको नाम पता होगा ना, तो उसके साथ में आपको एक काम और करना है। YouTube पर उनका एक लास्ट लेटर था, उन्होंने जो लिखा था कि मैंने महात्मा गांधी की हत्या क्यों करी, वो रीज़न बताया गया है। अगर आप वो वीडियो वॉच करते हैं, टाइम अगर मिलता है आपको ना, तो इस टाइप के वीडियो वॉच करा करो, इंटरव्यू देखा करो। तो इससे क्या होगा, आपके जो माइंड का जो स्किल्स होगा वो डेवलप होगा। भाई इंटरव्यू देखो, मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, लोगों का माइंड कितना शार्प होता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर आप इंटरव्यू देखते हैं ना, तो डैम श्योर आपका माइंड भी बहुत शार्प हो जाएगा। अब देखना एक बार, जो जिसने हत्या करी थी इनकी महात्मा गांधी की, तो उसने अपना अपना एक लेटर छोड़ा था। उस लेटर में उन्होंने रीजन लिखा था कि मैंने क्यों उनकी हत्या करी। और अभी आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा कि यार इतने अच्छे इंसान की उसने हत्या क्यों करी, ये जान करके। लेकिन उसका रीजन जो आप पढ़ोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक माइंड मेकअप हो जाएगा यार कि बात तो सही थी इसकी भी। तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सही कौन गलत। तो अपनी बात को कैसे समझाना चाहिए, अपनी बात को कैसे रखना चाहिए, ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो फिलहाल बढ़ता हूँ आगे। देखिए, विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ हाइड्रोफाइट जल प्रवाहित क्षेत्रों की वनस्पति होती है। जीरोफाइट बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। हैलोफाइट नमकीन मिट्टी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। और लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 79 की ओर। बटरफ्लाई शब्द और इसका एक अन्य शब्द एक और है, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये दोनों ही शब्द किससे संबंधित हैं? ये हैं आपकी तैराकी से। और स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपकी 240 फीट, मतलब 73 मीटर्स। वाटरलू बेल्जियम में स्थित एक कस्बा है। और सीसा संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या जो होती है वायुयान के वेग से संबंधित होती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपसे भारत में 1966 के सूखा के बाद योजना अवकाश हुआ था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। रोलैक्ट एक्ट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अभिनव भारत का आयोजन
अभिनव भारत का ये आयोजन था, ये करा था वीर सावरकर द्वारा। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होता है? रुधिर होता है, ब्लड होता है। और श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक सलाहकार संगठन है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? ये होता है बुध। और आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वनस्पति है। स्टोरेज बैटरी में जस्ता उपयोग होता है। पुर्तगाली आधिपत्य वाले भारतीय भूभाग का प्रथम वायसराय था अल्बू कर्क। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तूतिया का व्यापारिक नाम कॉपर सल्फेट है। तारे पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता, कानपुर में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसका नेतृत्व किसने करा था? तो ये करा था नाना साहब ने। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और ये कब बना था? 1975 में। फिर हम डिस्कस करते हैं आपसे कुछ किरणों के नाम, उसकी खोज किसने करी थी? अल्फा, बीटा, गामा। आपको पता होगा गामा ये जो अंतिम किरण होती है, गामा किरण सबसे विनाशकारी किरण होती है। भयंकर प्रलय जो लाती है, हेल्थ को जो नुकसान पहुंचाती है, वो पहुंचाती है गामा किरण। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे बैकुरल, एक्स किरण, रोंटेजन, परामैग्नी किरण, रिटर, दृश्य किरण, न्यूटर, अवरक्त विकिरण, हर्शेल। उसके बाद बात करते हैं खिलाड़ी और उनके उपनाम। मेजर ध्यानचंद जो ये हैं, ये हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। उड़न परी, पीटी उषा, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। मूवी देखी होगी आपने, वहां बोला होगा फ्लाइंग सिख। उसके बाद में पेले, ब्लैक पर्ल। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये आपका रेफलेशिया। छोटा पुष्प आपका वुल्फिया। लंबा वृक्ष है यूकेलिप्टस। एंड सबसे छोटा शैवाल की बात करें तो ये आपका क्ले माइडो मोनास। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा ये है आपका लेमना। कौन? लेमना। बढ़ते हैं पेज नंबर 70, हाँ बढ़ते हैं पेज नंबर 80 की ओर। देखिए पेज नंबर 80 में जो है वो है आपका चाउ, उड़ीसा का लोक नृत्य है। देखिए इसमें जो पेज है एक्चुअली ये बहुत फैड है, और मेरा भी आईसेट बहुत ज़्यादा है, -2.5 है मुझे स्पेक्स जो लगा हुआ है। और मैं एक्चुअली वाइट पेज पे ये पढ़ रहा हूँ। आपको तो वीडियो में फिर भी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सेट करके दे दे रहा हूँ, लेकिन मुझसे शायद ये विजिबल हो नहीं पाएगा। और मैंने आपको याद होगा कि मैंने कुछ पेजेस के पीडीएफ आपसे मांगे थे, तो ये 80 पेज जिस स्टूडेंट ने मुझे सेंड करा था वहाँ पर मैं उसको पेज नंबर शायद बोल नहीं पाया, तो ये नहीं भेज पाए। और आपको तो वैसे भी आप कष्ट लेना पसंद नहीं करते, केवल उस एक स्टूडेंट ने मुझे पीडीएफ दिया और आप में से किसी का भी एक का रिप्लाई नहीं आया था। आपको पता होगा पार्ट 26 में मैंने डिस्कस करा, तो इस पेज को मैं उसके आपको वॉच करवा रहा हूँ, और इस पेज को आप वॉच कर लेना, ब्राइटनेस सेट करके आपको मैं दे रहा हूँ। अगर लगता है कि हो सकता है पढ़ सकते हैं तो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन मैं सामने ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ बिल्कुल भी। फिर भी चलिए थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। हाँ, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। और एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अनुच्छेद 356 क्या? राष्ट्रपति शासन से संबंध रखता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। तो फ्रेंड ये हो गए कवर। और एचडी क्वालिटी तो खैर नहीं आ पाएगी ऐसे वीडियो में, जब मतलब कि
पिक ही साफ नहीं होगी, तो एच डी क्वालिटी इसमें क्या काम करेगी। मैक्सिमम जितना ट्राई हो रहा है उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पीडीएफ भी स्कैन करके हाईलाइट करना पड़ता है। आप तो फिर भी एक ठीक ठाक क्वालिटी में आप स्टडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसमें भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं एच डी क्वालिटी, तो ऐसे में एच डी क्वालिटी नहीं बन सकती बच्चों, समझा करो। क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे पीडीएफ स्कैन तक का नहीं मिल रहा है, और आपको मैं एच डी क्वालिटी दूँ थोड़ा मुश्किल है ना मेरे लिए ऐसे पेज पे। तो मेरी बुक में एक्चुअली पेंटिंग फेड है, चार पांच बुक मैंने और देखी, उन सब में इस पेज की पेंटिंग रियल में फेड है, राइट। तो बस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी जो भी तकलीफ थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, चाहे तो मेरी तकलीफ को आप समझने का प्रयास करिएगा। अदरवाइज कमेंट्स खुला हुआ है, कमेंट जैसे आप करना चाहें, पॉजिटिव नेगेटिव आप कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट्स का स्वागत है इस चैनल पर। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।